पीएमयू में पीएम मोदी की तारीफ क्या मना है? ये सवाल क्यों उठ रहा है अभी आपको समझ आएगा। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीएम की तारीफ पर डिग्री वापस मांगने का आरोप लगा है। पीएचडी स्कॉलर ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्र ने हाईकोर्ट से इंसाफ की गुहार भी लगाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल एक पीड़ित छात्र ने हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है और आरोप क्या है अब वो आप समझिए। आरोप ये है कि इस छात्र ने पीएम की तारीफ की और पीएम की तारीफ पर डिग्री वापस मांगने का आरोप है। ये पीएचडी स्कॉलर है जिसने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब इस पीड़ित छात्र ने हाईकोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई है। एमयू के छात्र दानिश रहीम ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पीएम मोदी के नाम भी एक पत्र लिखा है। दानिश के मुताबिक जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएमयू को संबोधित किया था तो उनकी तारीफ में उसने बाइट जारी की जिससे भाषा विज्ञान विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर खफा हो गए और बदला लेने के लिए पीएचडी की डिग्री वापस करने का फरमान जारी कर दिया और सफाई में कहा कि गलती से दानिश को दूसरी डिग्री मिल गई है। इस मामले में छात्र ने प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर के खिलाफ शिकायत की है। 22 दिसंबर 2020 को जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को संबोधित किया था तो उनकी तारीफ में मैंने मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक बाइट दिया था। मुझे नहीं पता था उसका एग्जाम क्या होगा और 4 अगस्त 2021 को मेरे खिलाफ एक लेटर जारी करा दिया कि आपका जो भाषा विज्ञान की डिग्री मिली है वो डिग्री आपको गलती से मिल गई है, आपको लैम की पीएचडी की डिग्री मिल गई है। 4 के जरिए हम आपको पूरी खबर समझाने की कोशिश करते हैं। 4 क्या है जरा अब आप वो देखिए और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार पूरा विवाद है क्या जो ये पीड़ित छात्र है दानिश रहीम। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस छात्र के आरोप में आखिरकार कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो ये प्रोफेसर पर आरोप लगा रहा है इनमें कितनी सच्चाई है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब अगर ये चीज वाकई हुई है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या एएमयू में पीएम मोदी की तारीफ मना है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है। 4 इस वक्त आप देख रहे हैं। एएमयू प्रशासन पर आरोप लगे हैं वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही पीएचडी की डिग्री छीनने का आरोप भी है। हालांकि आपको मैं ये बता दूं कि जिस तरह आरोप लग रहे हैं दानिश की तरफ से कहा जा रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएमयू को संबोधित किया था तो उनकी तारीफ में उसने एक बाइट जारी की जिससे भाषा विज्ञान विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर खफा हो गए और बदला लेने के लिए पीएचडी की डिग्री वापस करने का फरमान जारी कर दिया और सफाई में कहा कि गलती से दानिश को दूसरी डिग्री मिल गई है। अब इस मामले में छात्र ने प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर के खिलाफ शिकायत की है। तो ये 4 के जरिए हम आपको पूरी खबर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। अब हमारे साथ इस वक्त खुद दानिश रहीम जुड़ गए हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था, कैसे हुआ था या क्या कुछ आरोप है दानिश के। दानिश रहीम इस वक्त एएमयू शोध का छात्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश आपका बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। दानिश हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं एक बार आप जरा बताइए कि ये पूरा वाक्य क्या हुआ, कैसे ये बात बिगड़ी है डिग्री को लेकर, जरा आप एक बार खुद बताइए। जी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। 26 अक्टूबर 2016 को मुझे इंटीमेशन मिलता है कि आप आए और लिंग्विस्टिक्स पीएचडी के अंदर एडमिशन लें। 27 अक्टूबर को मैंने एडमिशन लिया। 3 मैंने अपना काम मुकम्मल करा। 22 सितंबर 2020 को मैंने प्री सबमिशन दिया। 24 सितंबर को मेरे चेयरमैन ने मुझे बहुत अच्छा लेटर बना के दिया, मेरी तारीफ करी कि आपने बहुत अच्छा प्री सबमिशन डिफेंस किया है तो सारी चीजें आपने जवाब दिए हैं। 10 सितंबर 2020 को मैंने थीसिस जमा करी, थीसिस की प्रक्रिया आगे बढ़ी। एक थीसिस मेरी दिल्ली प्रदीप कुमार साहब जो मेरे एग्जामिनर थे उनके पास गई,
वो लिंग्विस्टिक्स के जाने माने प्रोफेसर है हिंदुस्तान में। एक स्थिति मेरी हिंदुस्तान के बाहर चेक होने गई, हर जगह से मेरी रिपोर्ट लिंग्विस्टिक्स की आई, मेरा एक एक डॉक्यूमेंट डे वन से लेकर और डिग्री अवार्ड होने तक। मेरी 8 फरवरी को मेरा वाइवा हुआ 2021 में और 9 मार्च 2021 को मेरी डिग्री अवार्ड हो गई। इस बीच 22 दिसंबर 2020 को मैंने पीएम मोदी की तारीफ की थी, जो पीएम मोदी ने एएमयू को संबोधित किया था और एएमयू की तारीफ प्रधानमंत्री जी ने की थी। मैंने भी उनकी दिल खोल के तारीफ करी, जिस तरह उन्होंने एएमयू को मिनी इंडिया कहा, सर सैयद साहब की तारीफ करी, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने हमारे एएमयू वाइस चांसलर साहब का भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमारे मौजूदा चेयरमैन जहांगीर भारती के दिमाग में खटक रही थी। उन्हें चीज का अंदेशा था कि आज मुझे डिग्री मिली है तो कल मैं नौकरी में भी अप्लाई करूंगा। ये सब कुछ उन्होंने किया और मेरे वाइवा से पहले उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी। जब उनकी मेरे कमरे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपने इस तरह का इंटरव्यू क्यों दिया और आप राइटिंग महसूस हो रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये बातें आपको प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर की तरफ से कही गई? जी, मोहम्मद जहांगीर भारती ने 8 फरवरी से मेरे वाइवा से 2-3 दिन पहले मुझसे कहा। हाँ ठीक है, एक चीज और बताइए आप दानिश, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि 6 महीने पहले उन्होंने आपकी तारीफ की, ये वही प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर हैं जिन्होंने 6 महीने पहले आपकी तारीफ की थी? जी, मेरे पास लेटर है, उन्होंने तारीफ में लिखा है कि अच्छे स्टूडेंट है, अच्छा इन्होंने अपना पीएचडी का प्री सबमिशन दिया है। हाँ। अच्छा इनका काम किया हुआ है, हमने सवाल किए हैं, उनके जवाब उन्होंने अच्छे दिए। बकायदा 24 सितंबर 2020 का मेरे पास ये लेटर है जो उन्होंने मेरे प्री सबमिशन के बाद मुझे ऑफिस से प्राप्त करवाया, जिस पर मेरी सुपरवाइजर डॉक्टर सादिया हुस्ना आदम के भी सिग्नेचर है। लेकिन 4 अगस्त को ये लेटर मुझे एएमयू प्राप्त कराती है कि आपको हमने अनजाने में गलत डिग्री दे दी। आप सोचिए देश की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, करोड़ों का फंड है, पूरी दुनिया से यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आता है और हायर डिग्री को लेकर क्या यूनिवर्सिटी कब्ज कर सकती है, आप ये मुझे बताइए। मेरे साथ साथ डॉक्टर मारिया नहीं, जिनको मेरे से पहले पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई थी 4 महीने, उनको भी एएमयू प्रशासन यही नोटिस देता है कि आपको गलत डिग्री मिल गई है। दो मौजूदा रिसर्च स्कॉलर है, आसिम दीशान और खुसरो मोइन, उनके सुपरवाइजर है डॉक्टर सवाउद्दीन अहमद, वो उनको 2 महीने पहले मेल कर रहे हैं कि अगर आप लिंग्विस्टिक की डिग्री मांगेंगे तो मैं सिग्नेचर विड्रॉ कर रहा हूँ पहले सुपरवाइजर, और अगर आप लैब में डिग्री चाहते हैं तो मैं आपको कंटिन्यू पीएचडी कराऊंगा। ये वो उनसे एडमिशन होने के 3.5 साल बाद कह रहे हैं। अब आपको जरा ताना चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए, इसको लेकर आपने अभी तक क्या किसी प्रोफेसर से बात की या फिर मोहम्मद जहांगीर से आपकी कोई बात हुई डिग्री को लेकर अभी तक? मेरी 24 जून को मेरे पास ऑफिस से फोन आया था भाषा विज्ञान के मिस्टर मोहम्मद असद का, जो वहाँ क्लरिकल पोस्ट पर काम करते हैं, कि आपको चेयरमैन साहब ने बुलाया है। मैं 25 जून में गया। हाँ। फिर उन्होंने ये सारी बातें कही कि आपको गलत मिल गई है, ये मिल गई है। मैं कहता हूँ मुद्दे पे आइए, कहना क्या चाह रहे हैं कि या तो आप लिख के दीजिए, मैं लिखकर आपकी डिग्री कैंसिल करता हूँ। सर मैं तो लिख नहीं पाऊंगा, मुझे एक जायज डिग्री मिली है जिस पर मैंने काम किया है, अब आप चाहते हैं तो आप स्टूडेंट का बुरा कीजिए। फिर उन्होंने डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट जो थी देवा मैडम इंग्लिश डिपार्टमेंट की जो डीन थी, उनके जरिए उनको मिस गाइड किया। हाँ। फिर कंट्रोलर साहब को मिस गाइड किया। इस तरह दानिश मैं अभी आपके पास आऊंगी, आपकी पूरी बात जानने की मैं कोशिश करूंगी, लेकिन इस बीच बीजेपी से हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मनीष जी, दानिश जो आरोप लगा रहे हैं प्रोफेसर जहांगीर पर, अब अगर इन आरोप को देखें, इनमें सच्चाई को देखें, तो सवाल एक बड़ा यही उठ रहा है कि क्या अब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से भी दिक्कत होने लगी है लोगों को? देखिए, दानिश रहीम का जो प्रकरण है और जो आरोप है बेहद ही गंभीर है। इनके प्रकरण में सत्यता है तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है कि अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अच्छे कामों की कोई प्रशंसा करे और उससे पीएचडी की डिग्री वापस लेने की बात होती है तो इसकी ये जांच का विषय है, और जांचों प्राप्त अगर कोई भी इसमें जो भी लोग संलिप्त होंगे उनके ऊपर कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। और यदि इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दी है, हाईकोर्ट में याचिका के पूर्व इन्होंने कौन सी प्रक्रिया अपनाई है इसका ज्ञान मुझे नहीं है, मेरे संज्ञानित नहीं है, इसलिए भी उस पर टिप्पणी करना बहुत ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन प्रथम दृष्टया जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो गंभीर है। मनीष जी वो कह रहे हैं कि जब ये सभी चीजें हुई तो उसके बाद उन्होंने वहां पर प्रोफेसर से भी बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि डिग्री आपको अनजाने में दे दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्या इस तरह की चीजें एक छात्र के भविष्य को देखते हुए क्या अनजाने में हो सकती है?
मैंने कहा ना कि अभी तो हम लोगों के सामने प्रथम दृष्टया दानिश रहीम का बयान है। बयान को सुनने के बाद ये प्रकरण गंभीर है और प्रकरण की जांच होनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन जो कह रहा है वो अपनी बात को प्रमाणित करेगा अगर सही है, और यदि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कामों की तारीफ के आधार पे उक्त कार्रवाई की गई है तो इस पे जांच भी होनी चाहिए और इसकी और उस पर कानून सम्मत कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दानिश भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो दानिश मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ कि आप अब आगे क्या मांग करते हैं। मैं यही मांग करता हूँ कि जो भी हायर अथॉरिटीज हैं हमारे हिंदुस्तान में, मैं देश के पीएम से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो मेरी बात को सुने, वहां तक मेरा पैगाम पहुंचे। मैं यूपी के सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ से कहता हूँ कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जो शाफे सिद्दई कह रहे हैं या एएमयू प्रशासन कह रहा है तो सबके सामने मीडिया के सामने टेबल टॉक कर ले। मैं अपने डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, वो अपने डॉक्यूमेंट दिखा दे, और इससे ज्यादा इंसान क्या तक बोल सकता है। आवाज सुनिए मैडम, जो वो कह रहे हैं कि अनजाने में डिग्री दे दी, अब वो मुझे ऐसी डिग्री देना चाह रहे हैं जिसको डिपार्टमेंट खुद एलिजिबल नहीं करता। अब बताइए मैं और मेरे साथी उस डिग्री को लेकर कहाँ भटकेंगे और कहाँ जाएंगे। दानिश एक और चीज आप जरा क्लियर कीजिए, आपने कहा आपके साथ कुछ और ऐसे छात्र हैं जिनके साथ भी ये चीज हुई है, शायद आपने अभी एक और शख्स का यहाँ पर नाम लिया था, जरा एक बार ये क्लियर कीजिए कि क्या सिर्फ आपको इस तरह की चीजें कही जा रही है कि अनजाने में ऐसा हुआ, या इसके अलावा और भी कुछ छात्र हैं जिनको ये सब चीजें कही जा रही है? उनको भी कही जा रही है, मैंने बताया ना आपको, मेरी सीनियर है डॉक्टर मारिया नहीं, जिनके सेम सारे डॉक्यूमेंट लिंग्विस्टिक्स के हैं, एक एक डॉक्यूमेंट, और उनको मुझसे 4 महीने पहले डिग्री अवार्ड हुई है। उनको डिग्री नवंबर 2020 में अवार्ड हुई है, मुझे डिग्री 9 मार्च 2021 में अवार्ड हुई है, और हम दोनों को 4 अगस्त को लेटर मिलता है कि आपको अनजाने में एएमयू ने डिग्री दे दी। तो ये जरा कितना गंभीर विषय है। बिल्कुल। और दो स्टूडेंट और है, आरसी दिशांत जो बिहार के रहने वाले हैं और एक खुसरो मुहीन है, वो अलीगढ़ के हैं लेकिन फिलहाल वो बेंगलोर में है। उन दोनों स्टूडेंटों को कहा जा रहा है उनके सुपरवाइजर द्वारा, डॉक्टर सवाउद्दीन अहमद द्वारा कहा जा रहा है मेल के जरिए, वो मेल भी मैं उन लोगों से आपसे प्राप्त करवा दूंगा। सवाउद्दीन साहब कह रहे हैं यदि आप लिंग्विस्टिक्स की बात करेंगे तो मैं अपने सिग्नेचर विदड्रॉ करता हूँ, और आप लैब में काम करके डिग्री लेना चाहेंगे तो मैं आपको सुपरवाइज कराऊंगा 3.5 साल बाद, सोचिए जरा आप। ठीक है, वाकई आपके जो आरोप हैं अगर इनमें सच्चाई है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है एएमयू पर। दानिश आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। मनीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने प्रतिक्रिया अपनी दी है।